अंबेडकर जयंती पर आज बीजेपी का संकल्प पत्र होगा जारी। पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय में जारी करेंगे घोषणा पत्र। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। होशंगाबाद और मैसूर में जनसभा को करेंगे संबोधित। मैसूर के बाद मैंगलोर भी जाएंगे पीएम मोदी। शाम 7:15 बजे करेंगे रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। गढ़वाल, हरिद्वार और टिहरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस को बताया देश की समस्या। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। राजनांदगांव और भंडारा में सभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। जमुई, बांका और अलीपुरद्वार में रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने गुजरात के 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल के नाम शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला, पत्थरबाजी में हुए जख्मी। पीएम मोदी ने जगनमोहन पर हमले को लेकर ट्वीट किया, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजाब के आनंदपुर साहिब में वीएचपी अध्यक्ष विकास प्रभाकर की दिन दहाड़े हत्या, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। आम आदमी पार्टी आज मनाएगी संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ दिवस। संविधान बचाने की शपथ लेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार, उचिवीरा के लिए मांगेंगे वोट। जोर शोर से प्रचार में जुटे अखिलेश यादव बिजनौर रैली में बोले, पेपर लीक की घटनाओं से लोगों में नाराजगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में करेंगी जनसभा, प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। बैसाखी के मौके पर राहुल गांधी गुरुद्वारा पहुंचे, दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने मत्था टेका। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी की जनसभा, सरकारी सेक्टर में नौकरी के लिए ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर करेंगे अभिवादन। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ओडिशा से 9 और गुजरात की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, बीजेपी की कंगना रनौत को देंगे चुनौती। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज, मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारने पर साधा निशाना। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बदजुबानी, पीएम मोदी की तुलना जनरल डायर से की। संभल में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया, कहा देश की बागडोर चाय बेचने वाले को दोगे तो बेचने वाला बेचेगा, कमाकर नहीं लाएगा। बीएसपी कैंडिडेट आबिद अली ने बीजेपी सांसद के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, खुलेआम धमकी भी दी। राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ आज होगा प्रदर्शन, क्षत्रिय समाज के लोग करेंगे महापंचायत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का ऐलान, चुनावों में बीजेपी का करूंगा समर्थन। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, महायुति को बिना शर्त समर्थन देने का कुछ लोग कर रहे हैं नाटक। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं से भिड़े कांग्रेस नेता अधीर रंजन, वीडियो हुआ वायरल। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा अधीर रंजन मानसिक तनाव में है, वो जानते हैं बंगाल में हार रहे। तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ रही है एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी बोले किसी से नहीं किया गठबंधन। श्रीनगर प्रशासन की फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए पहल, लाल चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए किया जागरूक। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा का बयान, बोले इस बार पीएम मोदी के साथ मेरी भी जीत की हैट्रिक होगी। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई, सीएम ने गिरफ्तारी को दी चुनौती। जम्मू कश्मीर के डोडा में कार हुई हादसे का शिकार, 6 लोगों की मौत। पोर्ट ब्लेयर में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी सतर्कता, बीती रात पुलिस ने ही वाहनों की जांच की। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दिखा अलग अंदाज, हाथी पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के रीवा में खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का बच्चा, बचाव अभियान में जुटा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन। नोएडा के सेक्टर 125 में एमिटी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 5 के पास रईस जादो का आतंक, एक छात्र को गाड़ी से खींचकर गिराकर लात घूंसे से पीटा। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में कोलकाता और लखनऊ की होगी टक्कर। आज के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस की चेन्नई से टक्कर, शाम 7:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कल खेले गए मैच में आखिरी ओवर के रोमांच में जीता राजस्थान, हेटमायर के छक्के से जीता राजस्थान। राजस्थान ने 3 विकेट से पंजाब को दी शिकस्त, 6 मैचों में 5 जीत के साथ राजस्थान टॉप पर बरकरार।